जहां उनको लगता है कि अगले दिन अखबार में छप जाएगा मेरा नाम, चाहे एक केला देकर पांच लोग फोटो खिंचवा रहे हों, वो इस प्रकार के मिलेंगे आपको। कोई सहज चला जाए और वह कहे कि मुझे इस कार्य हेतु आवश्यकता है, तो शायद उसे चवन्नी ना दें, ऐसे लोग बड़े बड़े पोस्टर लगाए बैठे हैं। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनको वाकई में बोलना नहीं आता, लेकिन आपको वो ज्ञान सिखाएंगे कि आपको ऐसे बोलना चाहिए, कि हमारा नेता कैसा होना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कि कम से कम फिरोजाबाद को ऐसा नेता चाहिए जो मजदूरों की समस्याओं को समझ सके। गरीब मलिन बस्तियां अभी भी फिरोजाबाद में बहुत हैं, उनकी पीड़ा को समझ सके। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से KIA में। दोस्तों आज का ये विशेष एपिसोड होने वाला है, क्योंकि आज के इस प्रोग्राम में हमारा नेता कैसा हो हम डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कि अब जो नया महापौर आएगा वो कैसा महापौर होना चाहिए, उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, इस विषय पर हम आज बात करेंगे। और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं देश के जाने माने कवि और फिरोजाबाद के मूलतः वो निवासी हैं, फिरोजाबाद के गौरव श्रीमान कृष्ण कुमार कनक जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। कनक जी, विषय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महापौर जो होता है वो शहर का प्रथम नागरिक होता है। तो चूंकि जब हम देखिए हमारा परिवार होता है, घर होता है हमारा, तो उसमें जो मुखिया होता है उसे हम नहीं चुनते, ना हम चुन सकते हैं, वो अच्छा बुरा जैसा भी होता है हमारे लिए होता है। लेकिन शहर का जो नागरिक है, प्रथम नागरिक, जो हमारा शहर का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमारे शहर का मुखिया है, उसे हम चुनते हैं, क्योंकि हम लोकतंत्र में बंधे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमारा जो शहर का प्रथम नागरिक है, जो महापौर हो, वो कैसा हो? क्योंकि अभी आपने देखा कि वर्तमान में जो महापौर हैं वो उनके साथ, अब जो क्योंकि ये दूसरी बार हम महापौर का चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी बार जो महापौर का चुनाव हो रहा है उसमें इतने ढेरों आवेदन आए हैं कि ये तय कर पाना मुश्किल है। मेरे हिसाब से ये पार्टियों के लिए भी मुश्किल है कि किसको टिकट दी जाए। 150 से ज़्यादा आवेदन तो भाजपा में हैं और लगभग 10-12 आवेदन सपा में हैं और 10-12 ही आवेदन बसपा में हैं और लगभग इतने ही आवेदन आम आदमी पार्टी में भी हैं। तो क्या आपको लगता है कि इतने सब आवेदनों के बीच में किसको टिकट मिलनी चाहिए? आपके नज़रिए से एक बुद्धिजीवी होते हुए आप हमें ये समझाएंगे कि कैसा महापौर फिरोजाबाद को मिलना चाहिए। देखिए गौरव जी, बड़ा अच्छा विषय लेकर आपने आज की चर्चा को रखा है। मैं मानता हूँ कि जैसा कि आपने बताया, फिरोजाबाद में ये दूसरी बार महापौर का चुनाव होने वाला है। पहली बार 2017 में नवंबर के महीने में ये चुनाव हुआ था। पहली बार फिरोजाबाद नगर निगम के रूप में परिणित हुआ था। उस समय इस शहर का कोई भी व्यक्ति महापौर के महत्व को नहीं समझता था। हम सब लोग जानते हैं कि वो दिल्ली का चुनाव हो, मुंबई का चुनाव हो, या बड़े बड़े महानगरों का चुनाव हो, वहाँ महापौर का अपना महत्व होता है। फिरोजाबाद एक औद्योगिक नगरी है, कांच उद्योग के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो पहली बार में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, उसका प्रभाव था। चूंकि मैं भी उस कैंपेन में साथ रहा भारतीय जनता पार्टी के, और चुनाव हम जीत गए। हमसे तात्पर्य भारतीय जनता पार्टी से है, चूंकि मैं उसी पार्टी को हृदय से समर्थन करता हूं, बाकी जो भी रहे, जीत कर आ गए। लेकिन जो हमारे नेता थे वो 5 वर्ष में तो यह समझ पाए कि नेतृत्व कैसे किया जाना चाहिए, वो एक अलग विषय था। वर्तमान की चर्चा हम करते हैं। नेता से मतलब आपका महापौर से? जी जी, निसंदेह। और महापौर से ही नहीं, पार्षदों से भी जी। मेरा तात्पर्य पार्षदों से भी है। जितने भी पार्षद थे वो 5 वर्ष में तो जो हमारी फिरोजाबाद नगर निगम की जो स्थितियां हैं उनको भांप पाए। एक पार्षद के क्या दायित्व तो होते हैं इनको समझने में उनको समय लगा। एक महापौर के रूप में
एक नेता के क्या क्या दायित्व तो हो सकते हैं उनको समझने में समय लगा, जी निश्चित रूप से 5 वर्ष का समय लगा। हम उसमें न तो महापौर की गलती कह सकते हैं ना ही पार्षदों की कमियां कह सकते हैं, अभी वो सीखने की प्रक्रिया में थे, लेकिन 5 वर्ष पूरे हो गए, सबको महापौर और पार्षद इन सबके महत्व समझ में आ गए, उनके क्रियाकलाप, उनकी कार्यशैलियां, इन सबको पर्याप्त समय मिल गया समझने का। इवन जनता को भी समय मिला, जनता भी समझ कि महापौर क्या होता, क्या है पार्षद, क्या है उनके काम, क्या है उनके दायित्व, क्या है उनकी शक्तियां, क्या है, इन सब के विषय में वो जनता भी समझ गई, नेता भी समझ गए। इसी का परिणाम है कि आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी में लगभग 150 से अधिक आवेदन आए हैं, ऐसे ही सपा में, बसपा में और आम आदमी पार्टी। एक आम आदमी पार्टी कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में उसका कोई वजूद नहीं है, लेकिन उसमें भी 8-10 अगर आवेदन आ रहे हैं तो ये समझा जा सकता है कि लोग अब महापौर और पार्षद इन सभी का महत्व समझ चुके हैं। आपने कहा कि कैसा होना चाहिए, तब बहुत महत्वपूर्ण विषय है और महत्वपूर्ण तरीके से समझा भी जाना चाहिए। निसंदेह हम आप अगर विचार करें तो हम पाते हैं कि पिछले समय में जिन लोगों का काम केवल धनोपार्जन था, वो तरीका कोई भी हो, केवल धन अर्जित करने के लिए वह अपनी संपूर्ण शक्तियां लगाया करते थे, वो भी बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए बैठे हैं। एक शब्द आता है माफिया, उसके साथ में कई जोड़ दिए जाते हैं, किसी को कारखानों में, किसी को, चूंकि हमारा फिरोजाबाद चूड़ी व्यवसायी है तो वहां पे क्या है कि मजदूरों के साथ दलाली हो रही है। एक बड़ा टर्म आया शिक्षा माफिया, उस तरीके के भी लोग जो हैं वो भी बैनर पोस्टर लगाए बैठे हैं, जिनके नाम पर, जिनको लोग मंच पर केवल इसलिए बिठा लेते हैं कि इनसे धन मिल जाएगा, वो उनके बड़े प्रचार प्रसार चल रहे हैं। कभी किसी के कोई सहज चला जाए और वह कहे कि मुझे इस कार्य हेतु आवश्यकता है तो शायद उसे चवन्नी न दें, ऐसे लोग बड़े बड़े पोस्टर लगाए बैठे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पे क्या है, कहीं ना कहीं महापौर और पार्षद का पद प्राप्त करने के पश्चात वो देखते हैं कि धन की एक अच्छी खासी स्थिति बनने वाली, जी ऐसा हम समझ सकते हैं, ऐसा एक आम जनता भी समझ सकती है। 150 आवेदन क्यों कर रहा है, लोगों को कहीं ना कहीं कुछ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग वहां खड़े हैं जिनका अपना खुद का व्यवसाय बहुत बड़ा है, उनको समय नहीं मिलता लेकिन फिर भी खड़े, बैनर लगाए, पोस्टर लगाए, हमको दे दो टिकट, हम महापौर बनेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोल नहीं पाते हैं, मंच पर अगर उन्हें खड़ा कर दिया जाए तो मंच पर वो एक ठीक से भाषण नहीं दे पाएंगे, और वो लोग खड़े हैं तो ऐसे लोग सदन में जाकर के अपनी बात कैसे रख पाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा, और वह वो आप चूंकि एक पत्रकार हैं, आपका सबसे संवाद होता है, वो अपनी बात नहीं रख सकते, लेकिन हाँ यह बात आपको भी स्वीकार करनी पड़ेगी कि तुलसी ने कहा ऐसा को जन्मा जगमाही प्रभुता पाई जाए मदनाई, वो मद में आकर वो फिर ऐसा लगेगा आपको, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन जिनको वाकई में बोलना नहीं आता लेकिन आपको वो ज्ञान सिखाएंगे कि आपको ऐसे बोलना चाहिए। तो ये बिल्कुल सत्य है, और हो सकता है कि वो जुगाड़ तुगाड़ लगा के, जैसे हम समझते हैं, देखिए सामान्य सी बात है, आप जा रहे हैं, समाज में जा रहे हैं, नगर के विविध वर्ग के लोगों से मिल रहे हैं, हम सब जानते हैं कि अगर विषम परिस्थितियां न रही तो इस बार भी बीजेपी का ही यहां महापौर होने वाला है, यही सामान्य स्थितियां हैं, आप भी जान पा रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, इसीलिए 150 आवेदन बीजेपी में आए हुए हैं। अगर स्थितियां सामान्य रही, विषमता कोई ना आ गई, कोई ऐसा आंकड़ा ना फंस गया कि कोई दूसरा आगे निकल जाए, तो मैं समझता हूं कि बीजेपी का ही होने वाला है अगला महापौर भी, तो इसलिए ये सारी चीजें आ रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं किसी ने लिखा लिख रखा है कि सबसे प्रबल दावेदार, फिर जब शहर से निकलता हूं मैं तो देखता हूं बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं और उनमें स्पष्ट लिखा हुआ प्रबल दावेदार, फिर विचार करते हैं किस बात के लिए, ना कोई सामाजिक योगदान है
ना ही किसी प्रकार का कोई ऐसा कोई कार्य ही किया है जिसके लिए जनता ये कहेगी कि अरे वो व्यक्ति है। जैसे उदाहरण के लिए मुझे कुछ पुराने नाम याद आते हैं, मुकेश यादव इस शहर के एक नेता माने जाते थे। मुकेश यादव जी के साथ भीड़ चलती थी। अच्छा, उनकी माता श्री रज्जो देवी जी का नाम हम बड़े आदर के साथ लेते हैं, पूरा फिरोजाबाद आदर के साथ लेता है। मजदूरों के नेता थे, मजदूरों के नेता उन्होंने काम किया था मजदूरों के लिए, लोग उनके लिए लड़ जाते थे। मुझे स्मरण है, मैं 9वीं या 10वीं कक्षा का विद्यार्थी रहा होऊंगा तो उनको शायद पुलिस ने पकड़ लिया था, आंदोलन कर दिया था लोगों ने। क्या जबरदस्त आंदोलन था, मुझे स्मरण है मैं साइकिल पर अपने गांव जाया करता था, मैं किड्स कॉर्नर का उस दिनों विद्यार्थी था, किड्स कॉर्नर में से पढ़ के लौट रहा था तो इतनी जबरदस्त भीड़ थी सड़कों पर कि निकलना मुहाल था और पटरियां उखाड़ दी गई थी। ये फिरोजाबाद ऐसे नेताओं का भी रहा है, आज किसी को पूछे मतलब उन्होंने ऐसा नहीं है उनके साथ भीड़ के डर के मारे जाती थी, नहीं वो किसी के लिए कुछ कर रहे थे, वो नेता थे जो कहीं ना कहीं समाज के लिए खड़े थे। उनके साथ समाज का सबसे छोटा वर्ग का व्यक्ति, सबसे निम्न वर्ग का व्यक्ति उनके साथ भीड़ में था। आज जितने भी पोस्टर लगे हैं किसके साथ कौन खड़ा है आप खोजेंगे तो कोई ना मिलेगा। उसका कारण है कि आज जो मेयर का पद है या पार्षद का पद है, पार्षदों में भी एक मैं नाम लेना अवश्य चाहूंगा जिन्होंने जमीन पर उतर कर काम किया है। ढोलपुरा वार्ड संख्या 25 से मेयर हैं मुनिंद्र यादव नंदू, पार्षद मैं क्षमा चाहूंगा, पार्षद हैं वार्ड संख्या 25 से मुनिंद्र यादव नंदू, वो निरंतर जमीन पर उतर कर काम करते रहे। उन्होंने पूरे 5 वर्ष, मैं उन्हें अनंत शुभकामनाएं देता हूं कि वे फिर से हमारे फिरोजाबाद की नगर निगम में पार्षद के रूप में आए और भविष्य में वे कभी हमें मेयर के रूप में भी हमें इस फिरोजाबाद में दिखाई दें, मेरी अनंत शुभकामनाएं। लेकिन अनेक ऐसे लोग थे, कुछ और अच्छे नाम दिखे जो हमेशा सड़कों पर रहे, प्रमोद राजौरिया जी हों, हरिओम वर्मा जी हों, ऐसे लोगों ने जमीन पर उतर कर काम किया। लेकिन ऐसे लोग भी दिखे जो नामित पार्षद मात्र हो गए कि उनके जलवे बदल गए, उनके बात करने का तरीका बदल गया। तब मैं विचार करता हूं कि जो लोग कभी किसी से सामान्य संवाद भी नहीं करते वो अगर मेयर हो जाएंगे तो करेंगे क्या। और ऐसे लोग हैं दौड़ में जो खड़े हैं। तो अगर मुझसे आप ये प्रश्न करेंगे कि हमारा नेता कैसा होना चाहिए, तो मैं ये कहूंगा कि कम से कम फिरोजाबाद को ऐसा नेता चाहिए जो मजदूरों की समस्याओं को समझ सके। गरीब मलिन बस्तियां अभी भी फिरोजाबाद में बहुत हैं, उनकी पीड़ा को समझ सके। जी, जल व्यवस्था, नाले नाली, इनकी व्यवस्था को हृदय से समझ सके। मजदूरों की समस्या को पहले वो समझ पाए कि उनका वह किस प्रकार भला कर सकता है। भले ही हो सकता है कि उनके कार्य क्षेत्र में ना आता हो, किंतु यह फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए संपूर्ण विश्व में जाना जाता है। यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति का घर या तो चूड़ी की झलाई जुड़ाई आदि से चलता है, यहां अन्य सभी संसाधन गौड़ है। महत्वपूर्ण रूप से चूड़ी का व्यवसाय है, कांच का व्यवसाय है, उसके लिए एक महापौर किस प्रकार अपने यहां कुछ अवसर उपलब्ध करा सकता है, ऐसा नेता मुझे लगता है कि होना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि अगर आप ये कहेंगे कि इतने सारे लोग हैं इनमें से कौन ऐसा दिखाई देता है, तो आपको एक विचार करना पड़ेगा। समाज सेवा के क्षेत्र में आपने, आपका भी अपना लंबा अनुभव है, समाज सेवा के क्षेत्र में दो प्रकार के लोग हुआ करते हैं। एक वे होते हैं जो केवल बैनर और पोस्टर पर और अगले दिन अखबार में अपना नाम छपवाने के लिए कार्य करते हैं, वो वहीं पैसा खर्च करते हैं
जहां उन्हें नाम दिखता है, जहां उनको लगता है कि अगले दिन अखबार में छप जाएगा मेरा नाम, चाहे एक केला देकर पांच लोग फोटो खिंचवा रहे हों, वो इस प्रकार के मिलेंगे आपको। एक मशीन देने के लिए 150 आदमी खड़े होंगे और वो 3-4 हजार रुपए की होगी, 200 रुपए हिस्से में आए होंगे, 100-100 रुपए हिस्से में आए होंगे, 150 आदमी आके खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं, 15 आदमी 20 आदमी फोटो खिंचवा रहे हैं, ये प्रकार के आपको मिलेंगे लोग। दूसरे समाज सेवा करने वाले लोग ऐसे होते हैं जो, अच्छी बात है फोटो खिंच गया तो अच्छी बात, नहीं खींचा तो और अच्छी बात, अखबार में नाम आ गया तो बढ़िया, नहीं आया तो और बढ़िया, लेकिन वे निरंतर कार्य में लगे रहते हैं। ऐसे नाम भी हैं, उनको टिकट मिलेगा बीजेपी से, उनको टिकट मिलेगा सपा से, भाजपा से, बसपा से, कांग्रेस से, ये अलग विषय है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि ऐसे लोग भी हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है, और वो उस दौड़ में भी नहीं है कि वो साम दाम दंड भेद से बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पहुंच लगा के किसी तरीके से टिकट पा जाए, लेकिन ऐसे लोग हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे फिरोजाबाद में ऐसे लोगों की कमी है, ऐसे लोग नहीं हैं जो जमीन पर रहकर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो आवेदन कर रहे हैं, जब उनको टिकट नहीं मिलेगा तो उसके बाद वो पूरी निष्ठा से अपनी पार्टी का समर्थन करेंगे। कुछ एक ऐसे नाम आप सुझा सकते हैं जो इतनी लंबी लिस्ट है उसमें से कुछ एक नाम अगर आप शॉर्ट लिस्ट करें तो कौन कौन वो हो सकते हैं, ऐसे नाम जो वाकई में अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, काबिल हैं, और आपको लगता है कि वो लोग काम कर सकते हैं? कर सकते हैं, मैं बता, अगर उनको अवसर मिला तो निश्चित रूप से कर सकते हैं। मैं ऐसे 2-4 लोगों के नाम बता सकता हूं जो मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं। देखिए, सबसे पहला नाम, क्योंकि आप जिसके साथ रहते हैं, आप चूंकि आज एंकर हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि परिचय दसियों वर्ष पुराना है, तो इसी प्रकार मेरे साथ में एक लंबा परिचय रहा है जो इन सूची में जो बैनर पोस्टर लग रहे हैं उनमें से एक नाम है अभिषेक मित्तल क्रांति जी। अभिषेक मित्तल क्रांति जी लगभग मेरे 12 वर्ष पुराने मित्र हैं, साथी हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, उनसे मैंने समाज सेवा के लिए आगे आना चाहिए, आप किस जाति के हैं, आप किस वर्ग के हैं, इन सबको पीछे छोड़ते हुए आपको समाज सेवा में, राष्ट्र हित में, समाज हित में आगे खड़ा होना चाहिए, ये मैंने सीखा अभिषेक मित्तल जी से। दूसरी बात, आपको जब आवश्यकता पड़े तो आप स्वयं वो कार्य करें जिसके लिए आपको लगता है कि किसी एक व्यक्ति को बुलाना चाहिए था, अगर नहीं बुला पाए तो वो कार्य आप खुद करें, चाहे वो झाड़ू लगाने का रहा हो, चाहे बैनर टांगने का रहा हो, चाहे किसी को आमंत्रित करके, चाहे मोटरसाइकिल पर बिठा के लाने की बात हो, या घर घर जाकर स्वयं निमंत्रण कार्ड देने की बात हो, ये सारे काम आप कर सके, ये बात मैं अभिषेक जी से सीखा। दूसरी बात, आप इतने विश्वसनीय बने कि कोई व्यक्ति जब आप उसके सामने पहुंच जाए तो आपको किसी और का रेफरेंस ना देना पड़े, किसी और का संदर्भ ना देना पड़े कि मुझे फला व्यक्ति ने भेजा है, ये बात भी मैं अभिषेक जी से सीखा। हमको ये ना कहना पड़े कि मुझे गौरव चौहान जी जो कि KIA न्यूज के एंकर है उन्होंने भेजा। आप अपने आप को इतना सशक्त बनाए कि आपका नाम मात्र आपको देखते ही व्यक्ति कहे अरे साहब आप किसी का नाम क्यों ले रहे हैं, आप बहुत हैं, ये बात मैं अभिषेक जी से सीखा। अपना महत्व बनाइए, अपने माता पिता के नाम पर, बड़े भाई के नाम पर, फूफा जी, जीजा जी, मामा जी आदि के नाम पर अपना अस्तित्व मत खड़ा करिए, ये बात मैं अभिषेक जी से सीखा। आप जो बात कहें फिर आप उस पर दृढ़ हो जाएं, अटल हो जाएं, चाहे कुछ हो जाए आप परिवर्तन न करें अपनी बात में, ये बात भी मैं अभिषेक जी से सीखा। साथ इन सब बातों के, आप पूरी तरह से ईमानदार रहे, रात के वक्त भी 12 बजे भी 1 बजे भी किसी को आवश्यकता है तो आप समाज के लिए समर्पित रहें, राष्ट्र सर्वोपरि है, समाज सर्वोपरि है,
घर परिवार और आप स्वयं सबसे अंत में आते हैं, इन सब बातों को मैं अभिषेक जी से सीखा हूं। लेकिन मैं बड़े कष्ट के साथ कहना चाहता हूं कि वे सभी गुण, वे सभी लक्षण जो मैंने आदरणीय अभिषेक मित्तल क्रांति जी से सीखे, अपनी बात पे अटल रहना, समाज के लिए खड़े रहना, इन सब के पीछे कोई लालसा नहीं होनी चाहिए। ये बातें जो मैं सीखा और मैंने अपने जीवन में उतारी, मैं उनको लेकर आगे बढ़ता हूं, चलता हूं। आज भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जो उन्होंने कह दिया उसी बात को करते हैं, ये लक्षण उनका हमेशा से रहा, जिसके लिए मैं उनका ऋणी हूं कि वह लक्षण उन्होंने मुझे सिखाया, जो कह दिया फिर वही करेंगे। अभिषेक जी के साथ साक्षात्कार किया हमने, और उन्होंने ये कहा कि मेरा सबसे पहला ध्येय ये रहेगा कि मेरे पास जिसका भी फोन आएगा तो सबसे पहले तो उसका फोन उठेगा और एक कंप्लेन रजिस्टर, जैसा कि मैं अपने व्यवसाय में, अपने कारोबार में रखता हूँ, अपने प्रतिष्ठान पर, ऐसा ही एक कंप्लेन रजिस्टर हमेशा मेरे साथ रहेगा, जिसमें मैं ये नोट करूँगा कि किसकी कंप्लेन आई है और शाम तक उसकी कंप्लेन को पूरा करने की कोशिश करूँगा, सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। उन्होंने कहा है, वो मैंने कहा कि वो अपना जो कहते हैं वो करते हैं और वो करें, उनको बीजेपी से टिकट मिले मैं यही चाहूँगा, वो मेरे मित्र हैं, और उनको टिकट मिले और टिकट मिलने के बाद जीतना तय है, ये मैं आपसे कहता हूँ कि जो जैसे भी बीजेपी का टिकट मिल जाए वो जीत। ये एक नाम रहा, इसके अलावा और कौन से नाम विकल्प में हो सकते हैं? बिल्कुल, मैं बता सकता हूँ कि विकल्प में आपने कहा, तो ये तो मैंने कहा कि वो मेरे मित्र हैं इसलिए मेरी अपनी धारणा है, इसके बाद भी कुछ अच्छे नाम हैं जो वाकई में धरातल पर उतर कर काम करते हैं, जिनमें से पहला नाम अगर आप कहेंगे तो मैं कहूंगा रमाकांत उपाध्याय जी। जी, और उनके साथ में मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा, वे धरातल के व्यक्ति हैं, धरातल पर रहकर काम करते हैं, उनको टिकट नहीं मिलेगा तो भी वो बीजेपी के लिए उतने ही समर्पण के साथ जुटे रहेंगे। कष्ट इस बात का है कि इतने 150 लोग हैं ना, इनमें से सबको तो मिलना नहीं टिकट, टिकट तो किसी एक को मिलेगा, एक को मिलेगा, शेष में से कम से कम 90% ऐसे लोग रहेंगे जो या तो किसी और पार्टी में जाकर चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे, उससे टिकट मांगने का प्रयास करेंगे, या फिर वो खुद स्वतंत्र खड़े हो जाएंगे, या फिर विरोध करने लगेंगे बीजेपी वाले का। लेकिन इन सब बातों से परे एक नाम है जो मैंने बताया, रमाकांत उपाध्याय जी, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, उनको टिकट मिले या ना मिले, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनको समाज की, जैसे मैंने अभिषेक जी के लिए कहा, मैं उनके साथ ये जोड़ना चाहूंगा, वे युवा हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं, वे मेयर के रूप में इस फिरोजाबाद को प्रतिष्ठा दे सकते हैं निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक इसी प्रकार रमाकांत उपाध्याय जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनके पास एक लंबा अनुभव है समाज का, राजनीति का, संघ का, वे भी इस फिरोजाबाद को दृढ़ता से आगे ले जा सकते हैं। अन्य नामों की चर्चा करें तो एक नाम और मेरे जहन में आता है, कौशल किशोर उपाध्याय जी। समाज से जुड़ने में उनका वही रवैया है, वही तौर तरीका है जिस प्रकार हमारे माननीय विधायक जी मनीष सिसोदिया जी, ठीक उसी प्रकार से वो उनसे प्रेरित भी हैं, उनका साक्षात्कार हमने किया जी, तो उन्होंने सीजा जी का नाम लेकर के कहा था, हालांकि एक एंकर होते हुए मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही थी जो उनके फेवर में थी, और उन्होंने कहा कि मैं उनसे प्रेरणा लेता हूँ। तो मैंने आपका वो साक्षात्कार अभी देखा नहीं है, लेकिन हाँ मैंने जो जाना कि जिस प्रकार वो मनीष सिसोदिया जी हमारे समाज से जुड़े रहते हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति को मुस्कुराकर बात करते हैं। देखिए एक अच्छी सी बात, मेरा साक्षात्कार अगर सिसोदिया जी तक पहुंचेगा तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा ये कहें कि देखिए बड़ा ढीठ प्रकृति का व्यक्ति है, काम हो या ना हो लेकिन उसका हृदय प्रसन्न कर देते हैं मिलने वाले का, यह उनकी
काम भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, काम भी करते हैं। मान लीजिए किसी कारणवश वो किसी कार्य को संपन्न न भी करा पाए या उनकी क्षमता से बाहर हुआ, फिर भी वह उसे निराश होकर लौटने नहीं देते। यह गुण मनीष सिसोदिया जी में है जो उनके व्यक्तित्व को प्रखर बनाता है और उनके फिरोजाबाद में स्थायित्व का कारण है। वो कभी किसी को दुखी होकर जाने नहीं देते। ठीक इसी प्रकार कौशल किशोर उपाध्याय वो मनोबल नहीं गिरता है, कटते ही नहीं, वो किसी का मनोबल हिलने नहीं देते। और उस परिपाटी को कहीं ना कहीं उन्होंने छुआ है कौशल किशोर उपाध्याय जी ने। और अगर आप ये कहना चाहेंगे कि ये सब बातें हो गई, अगर आप उसे ये पूछेंगे कि इन सब में जो सपा, भाजपा, कांग्रेस, आप, इन सब में जो अपनी दावेदारी कर रहे हैं, उन सब में से आपकी दृष्टि में कौन सर्वश्रेष्ठ है, तो इस बात के लिए भी मैं बेबाकी से उत्तर यही दूंगा कि हां, ऐसा भी व्यक्तित्व मेरी दृष्टि में है जो इस फिरोजाबाद की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। वो नाम है श्रीमती अनुपम शर्मा। अच्छा, अनुपम शर्मा जी का मेरा जो परिचय है वो 2012 का है। उनकी कुछ गुण हैं, उनके कुछ लक्षण हैं जो अद्वितीय हैं। वे जिस व्यक्ति से एक बार मिल लेती हैं उसके विषय में कभी वो भूलती नहीं। उनके पास थीम होती है, उनके पास काम करने के लिए स्टेमिना है, उनके पास सोचने का एक जबरदस्त अनुसंधान परक मस्तिष्क है। किस कार्य को कितनी अच्छी तरीके से कौन कर सकता है इसकी पहचान वो जानती है। किस कार्य को किससे कैसे कराया जा सकता है ये बात वो बहुत अच्छे से जानती है। कहां पर किस व्यक्ति का प्रयोग कैसे किया जा सकता है ये वो बहुत अच्छे से जानती है। और किस प्रकार इस संस्था का, जिस संस्था में वो खड़ी हैं, चाहे वो मेयर के रूप में हो या वो विधायक के रूप में हो या सांसद के रूप में हो, वहां पर उनके क्या दायित्व हैं और उस दायित्व को वो कैसे निर्वहन बेहतर तरीके से कर सकती हैं, इस बात की परख अगर किसी के पास है तो वो है अनुपम शर्मा जी। मेरी दृष्टि में सभी नाम अपनी अपनी जगह पर ठीक है। अब जब लोग आए हैं सामने अपनी प्रत्यास्थता दर्शा रहे हैं तो अपने उन्होंने जो आवेदन दिया होगा उसमें सारी चीजें लिखकर भी रखी होंगी, तो अपनी दृष्टि से अच्छी अच्छी बातें बताई होंगी, तो सब अच्छे हैं। किंतु श्रेष्ठता की श्रेणी में अगर आप बात करेंगे तो मैं पहला क्रम अनुपम शर्मा जी को देता हूं। अभिषेक जी मेरे मित्र हैं, उनको टिकट मिलेगा मेरा लाभ है। इस दृष्टि से कहोगे तो मैं कहूंगा कि एक नंबर पे अभिषेक जी। समाज सेवा, राष्ट्र हित और व्यक्तित्व की दृष्टि से कहेंगे तो मैं कहूंगा कि रमाकांत उपाध्याय जी हैं, वो एक नंबर पर हैं। और जब आप कहेंगे कि सबका मन खुश कर दे काम की दृष्टि से, काम होता रहेगा, होगा ही, करना ही है, पर सामने वाले को दुखी भी नहीं करना है, उसके मन का भी सम्मान रखना है, तो एक नंबर दूंगा कौशल किशोर उपाध्याय जी। जी, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने अपने तरीके से बताया कि कौन हमारा नेता होना चाहिए और किस तरीके का महापौर फिरोजाबाद को मिलना चाहिए। तमाम विषयों पर, तमाम तरीके की आपने अपना अनुभव भी बताया, और आपने अपना लोगों से सीधा सीधा जो परिचय है उसके साथ भी जो संबंध है वो सब भी आपने हमारे साथ डिस्कस किया। फिलहाल हमारा नेता कैसा हो ये आम पब्लिक पर भी निर्भर करता है, क्योंकि जनता चुनेगी, और टिकट किसको मिलना चाहिए ये तो पार्टी का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लोग वो तय करेंगे। लेकिन ये सेशन करके इस एपिसोड में अगर आपको आनंद आया हो और आपको लगा हो कि आपने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करी है, तो इसे दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।
और इसी तरह हमारे साथ अपना प्यार बनाए रखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कनक जी, एक बार फिर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका भी इस बात के लिए कि आपने